करके खड़े होवांगे। 2 मिनट वास्ते उन्होंने शहीदी का अपन नमन करांगे। शहीदी नूं सारयां नूं बेनती कि 2 मिनट वास्ते मौन वास्ते खड़े हो। बोले सो निहाल। सारी लग चल रही है। सब तो पहला असी सारे पत्रकार भरावां नूं जिहड़े होर साडे वीर साडियां भैणां इत्थे मौजूद ने, सब तो पहला उन्हां नूं नमस्कार करना चाहांगे। साथियों, उंज ते देश दे विच बड़ियां पार्टियां बनियां है, पार्टियां दी कोई कमी नहीं है देश दे विच, पर अज लोड़ है देश दे विच बदलाव दी। ये पार्टियां जिहड़ियां इन्होंने राजनीति नूं बिजनेस बना लिया, पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा, ते गरीब जिहड़ा होर गरीब हुंदा जा रहा है, अमीर होर अमीर हुंदा जा रहा। अज भुखमरी च साडा देश 107 देशां दे विच 102वें नंबर ते पहुंच गया। कुपोषण दा हाल यह है कि 2014 की जिहड़ी रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की, 45% बच्चे साढ़े कुपोषित ने। जे आप करोना काल दा विच हाल देखिए, 97% लोगों की आमदन घटी है, 3% लोगों की आमदन वधी है। एक बंदे की आमदन 35 रुपये रह गई है रोज की, ते दूजे बंदे की आमदन एक दिन की 2000 करोड़ हो गई। हालात ये है कि एक बंदा जिंदा रहने काबल नहीं बचिया, जिंदा रहने काबल हालत नहीं है, इन्नी उहदे कोल कमाई नहीं है, ते दूजे पासे एक बंदे कोल इन्नी कमाई है कि वह जे सारा टब्बर 2000 के नोट गिणन लगे, सारा टब्बर पूरे दिन च नोट नहीं गिण सकता। तो ये सारा जिहड़ा कानून बने ने, ये सारी जिहड़ी हालात पैदा हो रही है, एक पूंजीवाद का कब्जा देश ते हो रहा है, तो उस दा जिहड़ा दोषी है वह साडी राजनीति है। तो उस राजनीति च बदलाव लियाउण वास्ते अज जिहड़ी देश च भुखमरी वरती है, जिहड़ा इलाज
आम बंदे दी समर्था तो बाहर हो गया है, जिहड़ी उहदी निजी जरूरतां जिहड़ी जिउंदा रहिण वास्ते जरूरतां दी उहनूं लोड है उह आम बंदे दी पहुँच तो बाहर हो गईआं ने, ते उहनां दा जिहड़ा दोष है उहनां दा जिहड़ा कसूरवार है गुनाहगार है उह साडी राजनीति अज दी, ते उस राजनीति नूं शुद्ध करन दी लोड़ है। राजनीति दूषित हो गई है, उस राजनीति नूं बदलन दी लोड़ है। अज अंग्रेज साडी पॉलिसी नहीं बना रहे, अज साडे देश दे लीडर साडे देश दे नीतिकार साडी पॉलिसी बना रहे ने, ते साडे देश दे नीतिकारां ने पूंजीवाद नूं बढ़ावा दे दिंदे होए पूंजीपतियां दे पक्ष दीआं नीतियां बनाईआं ने, आम गरीब बंदे दी पक्ष की नीति नहीं बनाई। तो इस करके अज असी अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाँ तो, ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोगों नूं अगे लिआउणा है, बा माड़े लोगों नूं भ्रष्ट लोगों नूं उहनां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के पक्ष के बना रहे ने गरीबों लुटन की पॉलिसी बना रहे ने उन्हों राजनीति तो बाहर करा। तो साड़ी जिहड़ी पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष होएगी, वो जाति निरपेक्ष होएगी। असी इस करके अज उस चीज़ को दर्शाते हुए असी जिहड़ा डॉक्टर शैली ने जिहड़े ईसाई समाज के ने उन्होंने हैड ने, असी दलित समाज के जिहड़े राजू जी ने उन्होंने ना बिठाया, असी हिंदू महासभा तो जिहड़ा इंदिरा तिवारी जी है हिंदू महासभा की प्रधान है, तो कांता आलड़िया जी है इन्हों अज असी पंजाब के प्रभारी ला रहे हैं। कांता आलड़िया जी दलित समाज तो है, तो रिशपाल राजू जी रिशपाल जोड़ा माजरा जी हैं इन्हों असी अज पंजाब दे प्रधान बना रहे हैं ये जरनल समाज को, तो असी सारिया का जड़ा है तालमेल बना के मजदूर किसान शहर वाले रेहड़ी फड़ी वाले आम जड़ा बंदा है साड़ी जड़ी पार्टी कम करेगी वो आम समाज वास्ते सारे समाज वास्ते कम करेगी, तो सारे समाज में आप जोड़ के चलेंगे। साड़ी जड़ी पार्टी है वो जाति निरपेक्ष रहेगी, वो धर्म निरपेक्ष रहेगी, तो जिहड़ा साडा मूल मकसद पार्टी का है वो ये होएगा भी वड्डे लोगों की जेब चो पैसा निकले, तो सब तो छोटे लोगों की जेब सब तो गरीब लोगों की जेब पैसा जाए। मूल मकसद जिहड़ा होएगा वो समानता लिआउण दा होएगा, न्याय लिआउण दा होएगा, नशाखोरी रोकण दा होएगा, इलाज फ्री करन दा होएगा, पढ़ाई फ्री करन दा होएगा। जिहड़े साडे युवा विदेशों नूं जा रहे ने उहनां वास्ते भी असी जड़ा है एजेंटा के चुंगलों तो बचा के उन्होंने सरकारी एजेंसियां आप खड़ी करांगे जिहड़ी उन्होंने बाहर भेजण का काम करन, वो सारी चीज़ा असी जड़ा है जिहड़ी समाज नूं लोड़ है उन्हां वास्ते साडी पार्टी जिहड़ी है वो कम करे। तो अज तो साडी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी होएगा। इस तो थले आप जिहड़ा 2022 का इलैक्शन है पंजाब का वो लड़ांगे, पंजाब तो शुरुआत है, तो अगे जिमें जिमें भी तुहाडा सहयोग मिलता रहेगा उवें उवें अगे वधदे जांगे। तो मेरी सारे जिहड़े मीडिया वाले वीर ने उन्हां नूं एक बेनती यह है भी साडा मकसद पार्टी बना के अमीर होना मलाई खाना नहीं है, साडा मकसद इस देश नूं बचाना है, तो तुसी सारे भी इस देश दे वारस हो, तुसी सारे भी इस देश दे नागरिक हो। जिहड़ा मीडिया उन्हूं चौथा सितंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो जिनी कु जिम्मेवारी साड़ी है इन्नी कु जिम्मेवारी तुहाडी है, तो इस देश नू बचाण वास्ते इस समाज नू बचाण वास्ते अपने लोगों नू बचाण वास्ते तुसी भी जड़ा ये जिन्ना जिन्ना भी तुसी अपने समर्था अनुसार ये सहयोग कर सकते हो, क्योंकि लोगों तक खबर जिहड़ी वो तुसी पहुँचानी हुंदी है, लोगों नू तुसी एक तरह का पढ़ाना हुंदा है, तो उहदे च असी बेनती करांगे रिक्वेस्ट करांगे तुहाडे अगे भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते देश नूं बचाउण वास्ते तुसी अपना पूरा योगदान इहदे च पाओ। तो इन्नी कु बेनती करदा होइआ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अजे थोड़ा थोड़ा दो दो मिनट वास्ते बोल लैण सारे।
ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BKU 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਂਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਭੁਗਤਿਆ। 750 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 10-12 ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਈ, ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਗਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਬਜਾਇਆ। ਜੇਕਰ
सच्चे पातशाह साढ़े ते कृपा करते ने, पंजाब दे लोग सानू साथ दिंदे ने, तुसी सारे लोग जो पंजाब दे वासी हो, भावें मीडिया वाले हो, भावें कोई किसी भी किते वाले हो, जे सानू साथ दिंदे हो तां असी एक मॉडल पेश करके, क्योंकि सारिया पार्टियां कहिंदे ने, किसी ने नवां पंजाब दा नारा दिता, किसी ने सुंदर पंजाब दा नारा दिता, सारी यही गल कहिंदे ने कि असी बदलाव लैके आवांगे। 10 साल लगातार राज करन वाली अकाली दल ने भी यही नारा दिता पंजाब दे बदलाव दा। साडे लोग कन्फ्यूज़ ने कि यह बदलाव किवें आऊगा। पहली गल तां यह है कि असी लोगों नूं आ फ्री वाले कम्मां दी किसे तरह की असी कोई लारा नहीं लाउंदे। दूजा एक रोड मैप असी तैयार किया है जिहड़ा आने वाले दिनों दे विच तुहाडे सामने पेश करांगे, जिहड़ा बखूबी तुहानूं यह दसूगा कि बाकी किवें पंजाब दे विच चेंज लियांदी जा सकती है। सो इन्ना कहिंदा होया मैं कि मैं जा चुका, तो मैं सारयां नूं बेनती करदा कि संयुक्त संघर्ष पार्टी का साथ दिओ। इन्ना कहिंदा होया वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे नाल साडे NRI वीर सरदार करमजीत सिंह देओल जी साडे नाल बैठे ने, थोड़े जे लेट हो गए, तो उनका भी वेलकम करते हैं। हुण मैं बेनती करूँगा अर्शपाल राजू जी जिहड़े कि BSP के सबका प्रधान रहे ने, अजकल साडे नाल सेवा निभा रहे ने, वो भी 2 मिनट तुहाडे नाल लाउणगे। अर्शपाल राजू जी, दो मिनट का संदेश। बंधुओं को जय जी जय भाव, तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही इतिहासक दिन है, क्योंकि 1 साल किसान ते मजदूर ने संघर्ष किया, 3 काले कानून बने, तो सारा देश एकजुट होया। ये बहुत वधिया गल है, ਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜਾਲੋ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ
लेकिन वह जरा राजा है वह मुड़ के कुर्सी तो थले आएगा, तुसी कुर्सी के उत्ते जा सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी भाई और जी पार्लीमेंट से कब्जा कर लो और विधानसभा से कब्जा कर लो, थोड़े सारे दुखों के तकलीफों का हल इतने ही है। क्योंकि जे जे अज दिल्ली की गल करिए जे राजा कमजोर होंगे तो वह तो दूजे तीजे दिन ही कह देता भाई ठीक है भाई जे तुम सू मेरिया गल् मेरे तीन कानून वधिया नहीं लगते मैं वापस लेना। पर एक साल डटना पिया क्यों? क्योंकि राजे को पता नहीं लग्या, वह कहता कुछ नहीं होंगे मैं लड़ा जाया, वह तो हैलीकॉप्टर उड़ के लंघता रहा। लेकिन इस करके अज जो संयुक्त संघर्ष पार्टी बनी है वह किसान तो मजदूर की है। और सरदार गुरनाम सिंह कलूनी जी ये मतलब पूरे देश में एक नाम है इन्हों का, और इन्होंने संघर्ष किया, हर थे संघर्ष किया और किसानों ने मजदूरों ने संघर्ष किया। और सारे लोग जानते हैं हैलीकॉप्टर तक उत्तर नहीं देते इन्होंने। लेकिन यहोजे इंसान जो पार्टी बनाते हैं असी, क्योंकि असं मजदूर कला चुन है सबका बहुजन समाज पार्टी का प्रधान रहा, मैं इंचार्ज भी नहीं हाँ। मैं अज असी जो बहुजन समाज पार्टी ने अकाली दल का नाता जोड़ लिया तो फिर असं पिछे हट गए, क्योंकि जिड़िया पार्टियां सानू डोब रही हैं, जिन्हों पार्टी ने रल के हथ खड़े किए बे तेरे कानून काले बनने चाहिए है, जिन्हों पार्टी जिन्हें अज भी दोष है बे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उन्होंने सानू नहीं जाना चाहिए। तो असी मुड़ मजदूरों की पार्टी पंजाब बहुजन समाज पार्टी बनाई और असी सीधे ही मजदूर वर्ग वजो सरदार गुरनाम सिंह कलूनी नाल खड़े हाँ और बिल्कुल खड़े रहांगे। एक किसानों के मजदूरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, छोटे बड़ी वाले की पार्टी है, इन डट के चलांगे। आने वाला समा जिहड़ा इतिहासिक फैसला करेगा। जय भीम जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतह। सर अच्छा दो मिनट बाद बोलो सर, उधर है मैं कहता कोई ऑन कर दो, ऑन करो। हाँ एक हाल हेलो, आवाज कट है। हेलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सब तो पहला तो मैं माफ़ी मंगनी चाहूँगा गुरनाम सिंह कलूनी जी तो, क्योंकि मैं लेट नहीं सी होना चाहिए तो मैं क्योंकि यूएसए तो आया तो इन्होंने मैं काबिल समझिया इस पर असी बड़े कट्ठा कट्ठे हुए। एक साल मैं हो गया इतने आए नूं संघर्ष मोर्चे के नाल ही हाँ असी, तो अनफोर्चुनेटली मेरे पैर पर सट लगन करके तो कल मेरा प्लास्टर खुलिया, तो इस करके अब बहुत कॉम्प्लीकेशन होने करके मैं टाइम पर नहीं पहुँच सकिया। मैं सब तो गुस्साखी मानता तो बाकी मेहनती जो है मैं 37 ईयर्स तो यूएसए रह रहा हूँ वाशिंगटन। मेरा नाम करमजीत सिंह देओल, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। मेरे फादर साहब भी बड़े एक्टिव रहे पहला जो गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह जज सी एम होंगे सी, तो पापा का बड़ा रोल रहा वे। तो इस करके साडा पिछोकर है जरा थोड़ा जहा पोलिटिकल रीजन पर, लेकिन पापा ने कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ी क्योंकि वो सिर्फ सेवा लिए हाजिर हुए थे उन्होंने नाम। तो बाकी जो मैं ये सारा कुछ देखा भी इतने की हो रहा पंजाब 25 दिसंबर मैं लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट से, जो मोर्चे लगने शुरू होए तो सानू भी गड्डी घुमा के बड़े दूर की उपर की घूम के पिंडा में उतरना पे क्योंकि उसे मोर्चा लगे अपने सिद्धू बार्डर से, तो गड्डिया भी चला गई। तो उस दिन तो बाद मैं सारे मिलना शुरू किया, साढ़े पिंड जिन्हें भी योगदान पाने वाले थे सारे लोग कहते थे ट्रॉलियां लैके राशन लैके अभी जिन्नी भी सेवा उसकी पूरी। तो इस करके हम मैं एक दो दिन के जा रहे यूएस से कलूनी साहब ने मैं काबो समझा भी मैं अमेरिका जाके एन आर आई कमेटी सारी एन आर आई कम्यूनिटी सारी मैं जागरूक करा कि ये पार्टी बनी है सारी एस एस पी, तो यदा मुद्दा की है यद मैनीफेस्ट की है साडा मोटो की है। सो इस करके आई लाइक टू थैंक कलूनी साहब एंड चौड़े मास्टर साहब हू थॉट आई वुड बी द राइट पर्सन टू
take his voice to the White House. So, what I'm planning is, White House से आते सभी पार्टी से चले तो फिर मिजारा होएगा आने वाले हफ्ते के बीच में ताँ जो सिमिलिकल गवर्नमेंट भी दस्ती है भी अच्छी टेस्टी फील लग रही है क्योंकि वो पूछा गया कि डाउन मोर्चर वापस पहले फिर उन वापस हो गए नहीं पर एक्सप्लेनेशन मेरे को बड़ी क्लियर है कि यार ये वो आज वापस रह गए हैं वोटा करके तो कल फिर बन जाएंगे पर असं चाहते हैं कोई सॉलिड पार्टी बने जिदे करके सानू ये मौका द्वारा ना देखना पड़े जिसे इन्हें लोगों की गलत चलिया गई एक एक साल के उत्ते बैठे ने तो वो चीज़ का कोई भी मुकाबला नहीं है जिन्हें लोगों ने एक एक साल अपनी जिंदगी का बताता बटर से दिस इज रियली अप्रीशिएटेबल तो ये सारा अमेरिका कैनेडा ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर साइन पीपल अंडर मी तो उत्थे असं आवाज जावे ता जो सारी एन आर आई कम्यूनिटी साढ़े नाल लगे तो उन्होंने पता लगे कि सा मुद्दा की है सा मुद्दा है सिर्फ पंजाब को उपर लैके जाना सेफ करना किसानों सेफ करना मजदूरों सेफ करना ये तो बिना सा कोई मुद्दा नहीं ना ही सा पोलिटिकल मुद्दा पर्सनली मेरा या ईवन के चंदी साहब का सो वॉट वी वॉन्ट टू डू वी जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक ए राइट पार्टी थैंक यू वेरी मच आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडी फॉर वेटिंग थैंक यू डॉक्टर शैली ईसाई ईसाई समाज की बस बस दो 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 मिनट पांच मिनट सारा हो जाएगा हाजिरी लगा लो बस इधर हाजिरी लग जाएगी हाजिरी बस दो मिनट तुसी अपने अपने वाला समर्थन कर दो बस इंट्रोडक्शन दे दो अपने वाला समर्थन कर दो समर्थन कर सही सारे नमस्कार आदाब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मेरा नाम डॉक्टर शैली है गुरदासपुर तो और मैं क्रिश्चन कम्यूनिटी वालों अच्छे बैठा असी बड़ी देर तो एक चीज़ जी सोच रहे थे कि कोई राइट परसन जरा पंजाब के मूव करे जिद माइनोरिटीज के जो राइट्स ने अच्छे तरीके सेव हो पिछले बहुत साल तो माइनोरिटीज़ को यूज़ किया गया और कोई भी बेनीफिट अज तक जो है राइट वे उन्होंने नहीं मिला असी चलूनी साहब के नाल पूरी तरह खड़े हाँ और यकीन दवाने भी माइनोरिटीज जोड़े ने वो पूरा साथ जरा वा संयुक्त संघर्ष पार्टी का देंगे और जिते जिते भी सेवा चलूनी साहब वालों लगाई जाएगी वो पूरी तरह अभी अपने तन मन धन के नाल वो सेवा निभावे बस दो मिनट का समय दो मिनट I'm so sorry you all are so desperate. I agree also. So it's just that we are supporting Sardar Pranam Singh Charuni ji, the stand for which we have been invited here to extend our solidarity with him. We are here. So sorry if you get so desperate and for that. And Dr. Indira Tiwari, Secretary General, All India Hindu Mahasabha. I also contested the Varanasi general election under Trinamool Congress by Mamata Banerjee ji. और ये जो इनका संघर्ष था वो मैं 30 नवंबर से इनके पास लगातार जा रही थी ट्रैक्टर रैली आई वॉज ऑल्सो लीडिंग बाई पटियाला यूनिट ऑफ द जथेदारी एंड आई एम द विटनेस की किस तरह से बदनाम किया था गोदी मीडिया ने बट आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू दैट एज चडूनी साहब सेड इट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ द ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाई ऑल कॉर्पोरेट Crony capitalism, that's what is the factual position of the state now. And federal jo structure hai usko hamare jo tathakathit itna bada jhootha aur jiski 3 degree hai kabhi kehne se pehle bola main MA hu usko bola main BA bhi hu uske baad fir intermediate bhi hu. I couldn't understand ki ascending order chalta hai descending chalta hai. This I couldn't understand and none of the media could dare also. This so called Godi media. But the Godi has stood. मीडिया के अलावा मीडिया के अलावा आज के पांच मिनट मत बोलो आई एम सॉरी आ जाओ ओके आ जाओ
and we also respect you. I'm not at all offending you. एक मिनट के लिए धन्यवाद कर देंगे साहब, धन्यवाद। बस शॉर्ट कट, हार्दिक स्वागत। और मैं समझ रही हूँ आपकी भावना को, जैसे पार्टी का नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। और ये राजनीति के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो आज से हम सब मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं। और इस लड़ाई में मेरी आप सबसे भी अपील है कि पंजाब और देश को बचाने के लिए आप भी एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ूनी साहब, एक अंदेशा जो जताया जा रहा है वो अंदेशा है कि अगर 5 स्टेटों के अंदर भाजपा बढ़िया करती है या जीत जाती है तो ये किसान बिल, जो कृषि कानून बिल है, दोबारा वापस लाए जाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी आगे रहेगी? देखिए, वैसे तो ऐसी संभावना नहीं है कि अगर दूसरे स्टेटों में जीत जाती है तो फिर बिल वापस लाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सारे स्टेट इसमें इस तरह से नहीं लगे थे जिस तरह से हरियाणा पंजाब में आंदोलन हुआ, इस तरह से भी स्टेटों में नहीं हुआ था। दूसरा जो है, कि अगर फिर वापस लाएगी तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम दोनों तरीके से लड़ेंगे, अब हम अंदर भी लड़ेंगे और अब हम बाहर भी लड़ेंगे। अलायंस का अजे किसी नाल कोई तय नहीं है, तो साड़ी कोशिश तो करेंगे 117 से लड़न की, बाकी उस रब की मर्जी। अजे तो आप शुरू किया है कम, पहले दिन ही आप नहीं कह सकते भी साड़ी फसल का झाड़ किन्ना होएगा। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੋਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
अज जो समय है ना किसान मजदूर व्यापारी सारे कट्ठे होता है जे अज किसान कोई भी कट्ठे होंगे तो अज सरदार जनाब ने कानूनी जी ने पार्टी बनाई है वह सारे किसानों कट्ठे होना चाहिए आना चाहिए और असी बिल्कुल इन्होंने नाल है अगे पिछे नहीं जावे और जो धड़े आ वो भी इन्होंने नाल ही है कोई भी इन्होंने अगे पिछे नहीं है और कट्ठे होकर लड़ांगे कट्ठे होकर खड़ांगे क्योंकि अज समा व्यापारी किसान के मजदूर को कट्ठे हो रहे हैं। एक दूजे सवाल का जवाब दे देंगे वैसे एक एक सवाल भाई रिशपाल जी असी छड़िया होया है सारे नु तालमेल करके साडे नाल मिला दे इस करके सारे नाल तालमेल करदा है। चंदूनी साहब अभी 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही है मैं दूसरा दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही है देखिए जो पंजाब का नौजवान है वो वाकई बहुत परेशान है और बाहर को भाग रहा है। जिन अंग्रेजों को हमने कुर्बानियां देके देश से निकाला था आज हमारे देश का युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि देश के अंदर पंजाब के अंदर जो पोजीशन है उनके कारोबार उनका रोजगार वो यहाँ पे नहीं है। अगर उनको मिले तो अपना देश को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पंजाब के अंदर इतना रोजगार इतने व्यवस्था पैदा हो जाए कि कम से कम हर आदमी के परिवार चलाने का साधन तो यहाँ पे पैदा हो जाए। इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे यहाँ का मुख्य रोजगार जो है पंजाब का आज तक खेती रही है और खेती को जो है वो इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा रोज़गार पैदा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी खेती इस तरह की पैदा हो सकती है जिसकी विदेशों में डिमांड हो सकती है लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पे खड़ी नहीं की गई और हमने इसीलिए हमने कहा है कि पैदा करने से लेके और उपभोक्ता तक जो कारोबार होगा खेती का जो कारोबार होगा वो किसान के हाथ में होगा और ऐसी खेती की जाएगी जिसकी विदेशों में डिमांड हो। जैसे फूलों की खेती है बहुत अच्छी खेती हो सकती है और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर यहाँ पे थीम की खेती करवानी शुरू कर दी जाए तो बहुत उन्नति कर सकता है पंजाब। मेरी बात को मजाक में मत लेना मेरी बात को इस तरह से मत लेना कि नशा है थीम लेकिन थीम के अंदर सबसे ज्यादा कमाई भी है राजस्थान में खास खास सरकारी अगर हम करें इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो अलग लड़ेंगे वो अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है जब हमारे अजय साढ़े तक कोई गल नहीं है जब साढ़े तक गल आएगी अभी जरूर जवाब देंगे। नौ जथेबंदियां उन्होंने तो वक्त हुई है नौ जथेबंदियां वो ने जी उन्होंने नहीं जा रही जितों तक मैं पता लगे वैसे ये अंदर अंदर की गल है बहर अजे कुछ फुट के नहीं आ रहा जो बहर कुछ फुट के आएगा फिर उसके नहीं साडे नाल जाने वाले नहीं है वो है जो न्यूट्रल रहने पार्टी का नाम मिल गया रजिस्टर्ड होना का बसो नंबर जो बाकी है बाकी काम पूरा हो गया सिंबल के बाद जो हो जाते उस बाद अप्लाई करना पड़ता है। एक
ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्या इलेक्शन केवल बीजेपी को ही लड़ना चाहिए या जो राजनीतिक पार्टियां हैं या ये कोई बिजनेस है कि इस वाला इधर वाला बिजनेस छोड़ के उधर वाला बिजनेस में क्यों जा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी ये कह रही थी कि तुम पहले ही कह रही थी कि इलेक्शन लड़ेगा मनोबल तोड़ने के लिए कि इसलिए दोनों से हट जाए। क्या बीजेपी को देश को बेचने की छूट दे दे कि वो हमें ताना मारेगी उस ताने से बचने के लिए बीजेपी को छूट दे दें कि वो सारे एयरपोर्ट बेच दे सारी वो ट्रेनें भी बेच दे सारे वो बंदरगाहें भी बेच दे पूरे देश की कंपनियां भी बेच दे पूरे देश के बैंक भी बेच कर ले उसको छूट दे देश को बेचने की। हम उनको लगाम लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक एक टैनी टैनी का मसला है अजय मिश्रा वाला जो उनके लड़के के ऊपर सीट ने जो है फैसला दे ही दिया है समझो तो उनको हटाने के लिए अभी आपकी तरफ से कोई ज्यादा प्रयास? हमारी बदकिस्मती यही तो है कि हमारे देश सरकार क्या होती है? सरकार दूसरी खुदाई होती है। जनता को बचाने की जिम्मेवारी होती है उसकी। यहाँ वो सरकारें बढ़ रही है जो जनता को मारते हैं। गुंडा राज एक मंत्री कहे कि मेरे को मंत्री मत समझना मैं बहुत खुश हूँ और वो कुचल दे लोगों को और उनको हम सत्ता में बैठे रहने दें। इस सत्ता को क्यों पार्टी बना रहे हैं? ऐसे लोगों को राजनीति में अगर भेजेंगे अब भाई सवाल कर रहे थे कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं क्या ऐसे गुंडों लोगों को राज करने दें? वो भाई जब आपके पास ताकत है अब हथियारों की लड़ाई नहीं है वोट की लड़ाई है। वोट आपकी है 80 लाख वोट से ज़्यादा किसानों की है पंजाब के अंदर 59 लाख वोट से सरकार बनी है और 80 लाख वोट यहाँ मजदूरों की भी होगी फिर यहाँ पूंजीपतियों का राज कैसे है? यहाँ जो कारपोरेट के दलाल हैं उनका राज कैसे है? तो उनको निकालने के लिए उसका यही तरीका है कि खुद राजनीति में आया जाए। और एक और बात बता दूंगा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी लड़ाई लड़ने के बाद ये कहा राज बिना नहीं धर्म चले हैं। चाणक्य ने कहा है कि अगर बुरे लोग अगर अच्छे लोग राजनीति से बाहर रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर राज करेंगे। सर छोटू राम राजनीति में रहे हैं तो करुण बनवा पाए हैं। राजनीति कोई उनके लिए देखिए राजनीति में जाके गलत काम भी कर सकते हैं अच्छे काम भी कर सकते हैं। अब गलत काम करने वाले वहां चले गए हैं उनको निकालने की जरूरत है उनको सबक सिखाने की जरूरत है। एस के एम ने तो इस करके नहीं भी उन्हें भरोसा नहीं किया इस करके बाहर कढ़िया इस करके सस्पेंड किया सी ये पंजाब विच इंटर क्यों कर गया उन्हें जिहड़ी असीं दस हटे हाँ कि भी जिहड़ा सब तो उतले लोगों की जेब च पैसा जा रहा है वह पैसा सब तो थले काले लोगों की जेब च आना चाहिए। ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਲੜਵਾ ਰਹੇ
जी नहीं, ये मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई क्वेश्चन है। हाँ, आर एस एस का एक जड़ा की ना है उदा कक्का शिव कुमार कक्का, वो आर एस एस का है, रहे काफी देर उदा प्रधान रहे आर एस एस का। फिर सरकार वालों मनाई गई है बहुत चंगा सवाल तुसी करता, बहुत चंगा सवाल करता। जे उदाहरण के तौर पर केजरीवाल के चार मैंबर आए थे पार्लियामेंट, उन्होंने अंदर गल की किसी ने सुनी नहीं। जे वो चार मैंबर पार्लियामेंट चो उठ के सड़क पर आ जाते, पार्लीमेंट चो उठ के पब्लिक के आ जाते भी गल तो साड़ी ठीक सी पर साड़ी घट गिणती है इस करके मननी, आप बैठेंगे भुख हड़ताल से, सारा देश उन्होंने पिछले लगना सी। साडा बिल्कुल स्पष्ट है, जे राज आउंदा है तो कलम नाल करांगे, जे राज नहीं आउंदा अंदर लड़के करांगे। अंदर गल मननी नहीं जाती, सारे साढ़े एम एल ए सारे एम एल ए विरोध पब्लिक के विच सड़क के होने। तो बाकी ने मेरे तो कोई पहला जाने वास्ते तैयार बैठे ने गुरु। नहीं दर्शन पाल दे हुण मेरे तो की कहोगे एस के एम, नहीं केवल इन्ना है भी एस के एम का नाम नहीं लेगा, असी एस के एम का नाम कोई नहीं लिखा, जेड़ा कोई राजनीति करेगा वो एस के एम का नाम नहीं लेगा। एक गल दूजी गल जिथों तक राजनीति की सवाल हम तुम पंजाब की बत्ती बत्ती जड़े बंदियां कर रहे हो, खुद कई तुम दिखावेगा हम इलैक्शन लड़ते, जी मीटिंग चल रही है जी अज भी कह रहे हैं मीटिंग चल रही है, वो कहदे वास्ते चल रही है, इस वास्ते चल रही है ना भी कितने ना कि राजनीति नाल टच हुई है, किहड़े पासे हुई किहड़े पासे जी। फिर अकेश टिकैत भी इलैक्शन लड़नगे, इहदी भी सूचना हैगी तुहाडे कोल कोई? नहीं जी। चरूनी साहब तुसीं पहलां हरियाणा लड़ रहे लागे वाले साहब लड़ रहे नहीं इलैक्शन? एक राज्यवाल ने पूछा जी, पर मेरा ख्याल तो जरूर लड़ हाँ चल रही है, उन्होंने मीटिंग इसे गल पर चल रही है, अपना की रोल होना चाहिए। पहला भी इलेक्शन लड़िया हरियाणा दे विच इलेक्शन लड़िया तो हार तुहाडे सामना करना। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है सर, तुसीं किसानी ते मजदूर नूं लैके गल कर रहे हो, पंजाब दे होर कोई मुद्दे ते गल नहीं तां करो कोई राय दो। असीं सारिआं वास्ते कर रहे हां, असीं हुणे कहा कि साडा मुद्दा सिर्फ किसानी है ते मजदूर है, सर सामने कह रहे यार। अच्छा सुनो 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 छोटे भाई जी, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।